नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ मैं। इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस के क्वेश्चंस जो बहुत सारे पेपर्स में पूछे जाते हैं, इवन अपने एसएससी जेई के एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं साइंस के क्वेश्चन, जीके में, जो कि 50 मार्क्स का हैं। तो ये साइंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके बहुत सारे पेपर जो जो आप भरते हो उनमें भी हेल्प करने वाला है, इवन एसएससी जेई में भी हेल्प करेगा। तो साइंस के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सेम वही तरीका रहने वाला है मेरा, जैसे मैं एज़ यूज़ुअल क्वेश्चंस फिर उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। तो आपके लिए बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इवन कुछ चीज़ें नई पता चलेगी, एज अ फैक्ट भी नया पता चलेगा, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। तो बहुत कुछ है जानने के लिए, अ नॉट अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। चलो देखते हैं वीडियो को, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। और इस वीडियो में आपको मैं हर क्वेश्चन के साथ 10 सेकंड दूंगा, तो एक बार खुद भी ट्राई करना और चेक करना बाद में कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस द फ्लूड नोन एज बाइल। ऑप्शन है लीवर, पेनक्रियाज, गैल ब्लैडर एंड किडनी। आपके लिए 10 सेकंड देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो 10 सेकंड पूरे हो गए। ये कह रहा है विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस, हमारे शरीर का कौन सा अंग एक फ्लूड, एक द्रव्य है जिसका नाम है बाइल, बाइल जूस कौन सा अंग सिक्रीट करता है, प्रोड्यूस करता है। तो आपका ऑप्शन है बी, लीवर, लीवर है वो। तो दोस्तों जानते हैं लीवर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें। जो लीवर है, लीवर प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव फ्लूड नोन एज बाइल, और ये करता कहाँ पे है, रिलीज कहाँ पे किया जाता है, ये गैल ब्लैडर में रिलीज करता है। गैल ब्लैडर है क्या, एक स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गन है। मैं गैल ब्लैडर की बात कर रहा हूँ कि ये एक स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गन है जो लोकेटेड है जस्ट बिलो लीवर और अपर राइट साइड ऑफ अपडोमेन, अपडोमेन के अपर राइट साइड में, और लीवर के जस्ट बिलो होता है गैल ब्लैडर, जिसमें बाइल जूस सिक्रेट किया जाता है लीवर के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर, निम्नलिखित में से कौन सा लीवर का फंक्शन नहीं है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, एंजाइम एक्टिवेशन, डिटॉक्सिफिकेशन और रिप्रोडक्शन। ठीक है 10 सेकंड पूरे हो गए, तो बताओ निम्नलिखित में से कौन सा, आपने नोट करके रख लिया होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लीवर का फंक्शन नहीं है, तो इनमें से डी, रिप्रोडक्शन लीवर का फंक्शन नहीं है। बाकी सारे लीवर के फंक्शन हैं लेकिन रिप्रोडक्शन लीवर का फंक्शन नहीं है। तो जानते हैं और इसके बारे में फिर से, लीवर बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है बाय मास। ठीक है दोस्तों, जो लीवर है, जो मैंने कहा कि आपको बहुत सी चीज़ें फैक्चुअल पता चलेंगी और यही क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, कि जो लीवर है वो हमारी बॉडी का इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन है बाय मास, और इसका आप एवरेज अप्रोक्स कह सकते हो 1.6 kg, एवरेज इतने kg के आसपास ये रहता है। इसके बहुत सारे फंक्शन है बॉडी में, जैसे कि ये प्रोटीन सिंथेसाइज करने में, ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्पफुल है, इट मैन्युफैक्चर्स, ये मैन्युफैक्चर करता है ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल्स, और सिंथेसाइज करता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन और बाइल प्रोडक्शन, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी देखा, और इट आल्सो डिटॉक्सिफाइज केमिकल्स एंड मेटाबोलाइज ड्रग्स, जैसे ड्रग्स वगैरह यानी कि मेडिसिन वगैरह जो हम लेते हैं और केमिकल्स वगैरह, केमिकल्स एंड ड्रग्स लेते हैं, उसको डिटॉक्सिफाइज भी कौन करता है, अपना लीवर ही करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फंक्शन करता है लीवर। ये कुछ जानने को मिला लीवर के बारे में। तो आपको अगर लगता है कि फैक्चुअल कुछ नई चीज़ें पता चली है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। अ येल्लो डस्ट अपीयर्स ऑन द फिंगर्स वेन एवर वी टच द मिडल ऑफ अ फ्लावर, दीज टाइनी येल्लो ग्रेन्स आर वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस इन द नेचर बिकॉज दे कंटेन द सीक्रेट ऑफ प्लांट लाइफ, व्हाट इज दैट डस्ट कॉल्ड। तो दोस्तों क्वेश्चन समझाता हूँ फिर उसके बाद 10 सेकंड दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ये कह रहा है कि जब हम फ्लावर्स के मिडल में, यानी कि कोई फ्लावर है उसके बीच में जब हम उंगलियां या हाथ डालते हैं, उंगली डालते हैं, तो हमारे को एक येलो कलर का डस्ट यानी कि कुछ येलो येलो लग जाता है उंगली पे, और वो जो ग्रेन्स पार्टिकल है, येलो कलर के ग्रेन पार्टिकल्स हैं, वो इस प्रकृति का बहुत अद्भुत सब्सटेंस है, क्योंकि वो प्लांट की लाइफ है, प्लांट की लाइफ के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस डस्ट को क्या कहा जाता है, ऑप्शन है पोलन, स्पर्म, स्पोर या स्पेरोसिस्ट।
ठीक है, 10 सेकंड हो गए, आपने आंसर लगा लिया होगा, चेक करना, इसका आंसर है पोलन। पोलन है वो जो येलो येलो डस्ट की बात हो रही है, फिंगर्स पे आ जाते हैं, और पोलन होते कहाँ पे हैं, येलो पाउडर पोलन डैट आर हॉल स्टैमन, डैट स्टिक विद द स्टैमन, वो स्टैमन पे लगे होते हैं, वो डंडा जो होते हैं स्टैमन, स्टैमन के ऊपर आपके येलो कलर पाउडर के पोलन होते हैं, एंड द स्टिक डैट होल सीट इज नोन एज स्टैमन। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन, निम्नलिखित में से कौन सा हॉर्मोन स्टीरोइड है? ऑप्शन इंसुलिन, ग्लूकागन, एस्ट्रोजन, ऑस्टिसिन, ऑक्सीटोसिन। ठीक, 10 सेकंड हो गए, आपने आंसर लगा लिया होगा, इसका आंसर है सी, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन नाम का ये जो हार्मोन है, ये एक स्टेरॉयड है। स्टेरॉयड होते क्या हैं? स्टेरॉयड हार्मोन हमारी बॉडी में 3 एंडोक्राइन, 3 एंडोक्राइन ऑर्गन जोन से, या ग्लैंड कह लो, जो हमारी बॉडी के अंदर 3 एंडोक्राइन ग्लैंड है या ऑर्गन है, जैसे टेस्टिस है, ओवरी और एड्रेनल कॉर्टेक्स है, इनके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। टेस्टिस करता है टेस्टोस्टेरोन, ओवरीज के द्वारा एस्ट्रोजन, और एड्रेनल कॉर्टेक्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। ठीक है, और स्टेरॉयड हार्मोन आर ड्राइव फ्रॉम कोलेस्ट्रोल एंड आर लिक्विड लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये कहाँ से ड्राइव्ड होते हैं, कहाँ से बनते हैं? कोलेस्ट्रोल के द्वारा, और 3 एंडोक्राइन ऑर्गन्स के द्वारा क्या होते हैं, ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड वेसल हैव द स्मॉलेस्ट डायमीटर, जो ब्लड वेसल्स यहाँ दी गई हैं उनमें से किसका सबसे छोटा डायमीटर है? आर्टरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स और लिम्फेटिक। ठीक है, 10 सेकंड हो गए, तो आपका आंसर है इसका कैपिलरीज। क्लियर हुई बात, आगे बढ़ते हैं। तो आंसर हो गया बी, ब्लड इज कैरीड थ्रू द बॉडी बाय ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड कैरी किया जाता है पूरी बॉडी के अंदर, विद द हेल्प ऑफ परफ्यूजन प्रोसेस, विद द हेल्प ऑफ परफ्यूजन प्रोसेस। परफ्यूजन प्रोसेस किसके अंदर होती है? कैपिलरीज के। सप्लाइज ब्लड टू द टिश्यूज, कैपिलरीज का काम होता है ब्लड को टिश्यूज तक पहुंचाना, एंड द डायमीटर ऑफ कैपिलरी रेंज इज फ्रॉम 5 to 10 माइक्रोमीटर्स, और जबकि आर्टरियोल का अप्रोक्स होता है 30 माइक्रोमीटर, सबसे छोटा होता है कैपिलरी का। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एयर बॉर्न डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सी एयर बॉर्न डिजीज है, जो एयर के द्वारा, मतलब वायु के द्वारा, या कहो ट्रांसमिशन वगैरह होती है, वो होती है आपकी एयर बॉर्न डिजीज? मीजल्स, टाइफॉइड, पिंक आई और नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर है मीजल्स। मीजल्स वो डिजीज़ है जो एयरबोन है, इसके अलावा बहुत सी डिजीज़ है जो एयरबोन है। एयरबोन डिजीज़ आर द इन्फेक्शन स्प्रेड बाय एयरबोन ट्रांसमिशंस, इंक्लूडिंग कौन कौन सी डिजीज़ है वो, जैसे चिकन पॉक्स, एंथ्रैक्स, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, क्रिप्टोकोकस एंड ट्यूबरक्लोसिस। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछी जाती हैं एयरबोन डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन में, या अपने आप में ये अलग से क्वेश्चन में भी पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फंगी आर प्लांट्स डैट लैक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, नन ऑफ दीज। दस सेकेंड पूरे हो गए। तो जो फंगी प्लांट्स है वो हमेशा किस में लैक होते हैं? क्लोरोफिल में। फंगी के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल होता क्यों है प्लांट्स में? हम जानते हैं प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ये अपने आप में क्वेश्चन हो गया। ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स हो गए, लेकिन प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो ये क्या हो गए आपके? ऑटोट्रॉप्स। ये बनाते कैसे खाना? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ये खाना बनाते हैं, जिसके कारण प्लांट प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से और सनलाइट की प्रेजेंस में। कार्बन डाइऑक्साइड से, सनलाइट की प्रेजेंस में। और ये रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन इज रिलीज बाय द प्लांट, और ये ऑक्सीजन किसके काम आती है? ह्यूमंस के और एनिमल्स के। लेकिन जो फंगी है, आर लैक क्लोरोफिल एंड डू नॉट इंगेज इन फोटोसिंथेसिस। ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसके अंदर, और ना ही वो क्लोरोफिल उसके अंदर प्रेजेंट होती है। क्लियर हो गई बात। ये इसका आंसर था, ऑप्शन था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स रेप्टाइल अ रेप्टाइल, कि रेप्टाइल
रेप्टाइल कैटेगरी में ही क्यों आते हैं? इसका रीजन क्या है कि उनका कोल्ड ब्लडेड होना, उनका वार्म ब्लडेड होना, नॉन हियरिंग होना कि उनको सुनाई नहीं देता, या एग लेइंग के कारण? दस सेकेंड हो गए। उनकी एग लेइंग के कारण। व्हाट मेक्स अ रेप्टाइल अ रेप्टाइल? ड्यू टू एग लेइंग। जानते हैं क्यों? देखो, रेप्टाइल स्किन जो होती है वो हार्ड होती है और ड्राई स्केल से कवर्ड होती है। हार्ड एंड ड्राई स्केल्स के द्वारा रेप्टाइल स्किन इज कवर्ड। और मोस्ट रेप्टाइल्स ले एग्स। क्यों करते हैं भाई? दोज एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड, डोंट ऑटोमेटिकली मेंटेन अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। वो कोल्ड ब्लडेड तो है लेकिन अपना जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली कॉन्स्टेंट नहीं कर सकते, जैसे ह्यूमन है। तो उनको टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए, दे हैव टू ले आउट देयर एग्स इन द सन। क्लियर हो गए? तो डी ऑप्शन इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्ज ब्लड वेसल? निम्नलिखित में से कौन सी लार्ज ब्लड वेसल है डैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट? ये ध्यान रखना, टुवर्ड्स द हार्ट और अवे फ्रॉम द हार्ट, ये ध्यान रखने योग्य बात है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन यहीं पे अवे वर्ड से ही चेंज होता है। तो ऑप्शन आपका वेन, आर्टरी, कैपिलरी और नर्व। दस सेकेंड हो गया। तो इसका आंसर है आपका बी, आर्टरी। लिखा है पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज ब्लड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द लंग्स एंड पिक अप अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मेंबर नहीं है? थियामिन, राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड, एब्जॉर्बिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मेंबर नहीं है? दस सेकेंड हो गई। इसका आंसर है डी, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन बी का मेंबर नहीं है। तो फिर विटामिन बी के मेंबर कौन कौन से हैं? तो ये इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। विटामिन बी के मेंबर है आपके B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। टोटल बन गए आपके 8 विटामिन। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 8 विटामिन कौन से हो गए? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। B1 का नाम है थियामिन, B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरोडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फॉलिक एसिड और B12 साइनोकोबे कोबलामिन। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो इनमें से आपके ऑप्शन के हिसाब से कौन सा नहीं था, वो था आपका ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये थे 10 क्वेश्चन। कोशिश जारी रहेगी कि इन फ्यूचर आपके हर दिन ये वीडियोज़ भी दी जाए, क्योंकि साइंस से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं और 10-12 क्वेश्चंस आते हैं साइंस से रिलेटेड, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे। तो मैं हर प्रकार के, हर टॉपिक से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूँगा। तो आपकी ये कोशिश रहना चाहिए कि ये 10 क्वेश्चन आप चेक करो कितना बना पा रहे हो, और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लायक, इन आपको लगती है कि अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है, तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।